उत्तराखंड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा में चल रहे आंदोलन कार्यक्रम के तहत यमुना परियोजना तथा पश्चिम में तीनों ऊर्जा निगम कर्मचारियों के द्वारा हरबरपुर तथा सीलापुर में गेट मीटिंग 10 से 12 बजे तक आयोजित की गई। इसके अतिरिक्त परिचालन पाली में कर्मचारियों को छोड़ते हुए अन्य सभी अनुरक्षण तथा कार्यालय कर्मियों के द्वारा टूल डाउन एवं पैन डाउन के तहत कार्य बहिष्कार किया गया। देखिए, हमारे कुछ अधिकार हैं जो हमें पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश शासन के समय से मिल रहे हैं, परिषद के टाइम से। वो अधिकार धीरे धीरे करके सरकार ने समाप्त कर, हमारी मांग ये है कि भाई हमारे अधिकारों को पुनः वापस दिया जाए। जैसे समय पर वेतन मांग करने का 9, 14, 19 की सेवा के बाद हमें सेवन मिलता है। एक पेंशन योजना है, हमारे उत्तर कर्मी हैं, संविदा कर्मी हैं, एसएससी कर्मी हैं जो बेहद कम वेतन मांग काम करते हैं। हमारा कहना यह है कि इनको समान कार्य समान निधि दी जाए। तो इन सभी मुद्दों पर सन 22/12/2017 में माननीय ऊर्जा सचिव के साथ वार्ता में सहमति बनी थी, जो कि 4 साल बीतने के बाद अभी 1.5 महीने पहले भी हमारी ऊर्जा सचिव से बात हुई, माननीय ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत जी से बात हुई। उन्होंने कहा था 15 दिन के अंदर जो निगम स्तर की समस्याएं हैं उनको हल कर दिया जाएगा और 1 महीने के अंदर शासन स्तर की समस्याओं को हल कर दिया जाएगा। समय वार्ता पूरे होने के बाद उस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं, जिससे कि ऊर्जा के तीनों निगम के कर्मी दोबारा से आंदोलन करते हैं। और अभी 21, 22, 23 को हमारा टूल डाउन है, 23 तारीख को हमारा यूजुअल कार्यक्रम स्थगित रह दिए और 6 तारीख से हम लोग पूर्ण रूप से हड़ताल में, तीनों निगम हमारे पूर्ण रूप से 8 बजे सुबह 6 तारीख से चले जाएंगे।